Good morning, students. Let's start the today's class with the revision of the topic which we studied in the previous lecture, that is movement due to growth. So movement due to growth, सबसे पहली बात movement क्या होती है. Movement मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या अपना place change करना. Growth के कारण movement कैसे होती है, जैसे plants हो गए, ठीक है. Plants एक सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है, ठीक है. सीड से धीरे धीरे रूट शूट निकल के एक प्लांट बनता है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, सीड होता है. सीड से रूट और शूट निकल के क्या बनता है, एक प्लांट बनता है, ठीक है. तो जब वो पौधा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है. अब वो पहले एकदम छोटा था, मतलब हाफ इंच इंच इतना होगा, एक इंच का या आधे इंच का. तो एक इंच का जो बीज रहता है वो बड़ा होके 4 फिट 5 फिट 10 फिट का पेड़ बन जाता है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कैसे वो छोटा सा था और छोटे से वो मूव कर गया इतनी बड़ी हाइट तक, ठीक है. कैसे वो एक इंच से 6 फिट 10 फिट का हो गया, ओके. तो दैट इज़ मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मतलब ग्रोथ के कारण मूवमेंट. मैं NCERT टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है रीड करता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ओके. सो सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स. जो मटर का पेड़ होता है या जो मनी प्लांट होता है वो टेंड्रिल्स के मदद से ऊपर ऊपर धीरे 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 दूसरे दूसरे टहनियों वगैरह में चढ़ता जाता है, ओके. तो मतलब उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके पास टेंड्रिल्स होती हैं. टेंड्रल्स जो हैं वो सर्कुलर फॉर्म में लपट जाती हैं जिस चीज़ से उसको चिपकना होता है प्लांट को. सपोज़ प्लांट को एक डंडे से चिपकना है तो टेंड्रल्स उस डंडे के किनारे किनारे गोल गोल राउंड राउंड शेप करके रस्सी जैसे बंध जाएंगी, ओके. दीज टेंड्रल्स आर सेंसिटिव टू टच. ये टेंड्रल्स जो होती हैं ये सेंसिटिव होते हैं टच के लिए, मतलब आप इनको छुएंगे तो ये उसको रेस्पॉन्ड करेंगी. When they come in contact with any support, जब भी किसी support के contact में आती हैं तो ये धीरे धीरे क्या करती हैं, उस जो भी support रहता है उसके किनारे किनारे circulate करने लगती हैं, गोल 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 घूमने लगती हैं, ठीक है. This causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. ये tendril को क्या करता है, उस object के किनारे किनारे लपेट देता है और उससे चिपका देता है. मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाई ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सबसे कॉमन तरीका जो है वो प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलाई मतलब होता है टच या किसी भी तरह का सेंस, ठीक है. चाहे वो टच का हो, चाहे वो हवा का हो, किसी भी तरह का सेंस, ठीक है. वो स्टिमुलाई लाइट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, एयर भी हो सकता है, टच भी हो सकता है, किसी भी तरह का स्टिमुलाई. तो प्लांट स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, मतलब टच, एयर या फिर वाटर या फिर लाइट. तो कैसे, उन चीज़ों की तरफ मूव करके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके. बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल, इसीलिए प्लांट पे ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल होती है, ठीक है. इट अपीयर्स एज इफ अ प्लांट इज़ मूविंग. ऐसा लगता है कि प्लांट जो है वो मूव कर रहा है. मतलब आप सीधी सी बात है, एक अंधेरे कमरे में किसी मनी प्लांट को रखेंगे तो अगर उस कमरे में कोई खिड़की है तो वो खिड़की की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा, तो दैट इज़ मूवमेंट, ओके. किसकी किसकी तरफ मूव कर रहा है, वो लाइट की तरफ, मतलब दैट इज़ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ओके. बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल, इसीलिए ग्रोथ क्या होती है, डायरेक्शनल होती है. इट अपीयर्स एज इफ प्लांट इज मूविंग, ऐसा लगता है कि प्लांट जो है वो मूव कर रहा है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इस तरह की मूवमेंट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें पानी भर देना है और कुछ बीज डाल देने हैं, ठीक है. बीन, बीन के, बीन यानी क्या होता है, बीन यानी होता है दलहन वगैरह को बीन बोलते हैं, मतलब जैसे सोयाबीन हो गया वो एक बीन है, ठीक है. तो ये सब बीन्स होते हैं. तो बीन के सीड्स को उस पॉट में डाल देना है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि पौधा निकल आएगा उससे, ठीक है.
अब उस पौधे को क्या करना है, एक कबर्ड में रख देना है। वो कबर्ड ऐसा होना चाहिए जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है, मतलब तीन तरफ से बंद और एक तरफ से खुला, सामने तरफ से खुला, ओके, सी शेप का। और लाइट जो है वो खिड़की से पेड़ पर पड़नी चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, जिस तरफ लाइट पड़ रही है उसके दूसरी तरफ, मतलब सपोज लाइट पड़ रही है राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड ऑफ द प्लांट, मतलब लेफ्ट पार्ट जो होगा प्लांट का, उधर पे एक हार्मोन जमा होने लगता है जिसका नाम है ऑक्सिन। तो वो प्लांट की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। वो हार्मोन क्या करवाता है, प्लांट की ग्रोथ करवाता है। तो जैसे प्लांट ग्रो करता है वो झुक जाता है राइट साइड, ओके। तो चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 7.2, फिल अ कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर। एक कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क आपको दिख रहा होगा, ये जो कांच का बर्तन हमने लिया ये कोनिकल फ्लास्क है क्योंकि कोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विथ अ वायर मैश। एक वायर मैश होती है, मतलब जाली टाइप की होती है, उस जाली से इस प्लांट की नेक को कवर कर लेना है, सॉरी पॉट की नेक को, ठीक है। वो जो आपने कॉनिकल फ्लास्क लिया है उसकी नेक को कवर कर देना है। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन द वायर मैश। 2 या 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड्स जो हैं वो डाल देने हैं, मतलब तुरंत के अभी के जर्मिनेट हुए, या स्प्राउट्स एक तरह से, ठीक है। कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जैसा आपको दिख रहा होगा, जो एक साइड से खुला हुआ है। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन अ सच अ मैनर दैट ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। इस फ्लास्क को इस तरह रखना है कि जो खिड़की से रोशनी आ रही है तो ओपन साइड जो है बॉक्स का, तो उधर पे पड़े ये रोशनी, ठीक है। कीप द फ्लास्क इन अ बॉक्स सच इन सच अ मैनर दैट ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। आफ्टर 2 or 3 days यू विल नोटिस दैट द शूट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट। 2-3 दिन बाद आप क्या देखेंगे कि जो शूट है, शूट मतलब ऊपर वाला जो ग्रीन हिस्सा है, ठीक है, जो जाली के ऊपर का जो ग्रीन हिस्सा है प्लांट का, मतलब ब्रांच हो गई, लीव्स हो गई, वो पूरा हिस्सा जो है तो वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, और जो रूट वाला हिस्सा है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो ये क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये ग्रोथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक कोनिकल फ्लास्क है ये, ठीक है, यानी कोन है, ठीक है, ये कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या किया था, कुछ जर्मिनेटेड बीन्स डाल दिए थे। अब इन जर्मिनेटेड बीन्स को कुछ दिन छोड़ दिया था ताकि उनसे प्लांट निकल आए, और ऊपर जाली से ढक दिया था। जब एक बार प्लांट निकल आता है तो प्लांट को सी शेप के कार्डबोर्ड में रख देना है, और जो हिस्सा खुला हुआ है कार्डबोर्ड का वो सनलाइट की तरफ होना चाहिए, मतलब उस तरफ होना चाहिए जहाँ से लाइट आ रही हो, ओके। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड्स द लाइट। अब इस फ्लास्क को घुमा देना है, किस तरह घुमा देना है कि जो शूट है वो लाइट से दूर चला जाए और जो रूट है वो लाइट की तरफ चले जाए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर फ्यू डेज। हैव द ओल्ड पार्ट्स ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। बिल्कुल चेंज करेंगे। आर देयर डिफरेंसेज इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ। बिल्कुल। वॉट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी ये बताती है कि ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट शो करते हैं, ठीक है, लाइट की तरफ रेस्पॉन्ड वाला। इन्वायरमेंटल ट्रिगरर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। जो इन्वायरमेंट के ट्रिगरर्स है जैसे लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, ये डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। ये चेंज इन डायरेक्शन में मदद करते हैं किसके, प्लांट पार्ट्स के, ओके। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन आइदर बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। तो ये मूवमेंट जो प्लांट की मूवमेंट है, मतलब जैसे पौधा यहाँ पर झुक गया था, ये देखिए पौधा यहाँ पर झुक गया था, तो ये किसकी तरफ झुक गया था, ये पौधा जो झुका था ये लाइट की तरफ झुका था, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब की तरफ, ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है ये, ओके। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड इन दिस कंडीशन फॉर फ्यू डेज।
Have the old parts of the shoot and the root changed direction? Bilkul. Are there any differences in the direction of new growth? What can we conclude from this activity? तो हम ये इस एक्टिविटी से ये देख सकते हैं कि कुछ स्टिमुलस होते हैं, जैसे लाइट हो गया, टच हो गया, उसकी तरफ प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं कुछ पार्ट प्लांट के, और कुछ पार्ट जो है प्लांट के उसके अपोजिट मूवमेंट करते हैं. जैसे रूट्स है तो रूट्स अपोजिट मूवमेंट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो शूट है वो टूवर्ड्स मूवमेंट करती हैं लाइट के लिए, ठीक है. तो कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जैसे लाइट या ग्रेविटी, ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं प्लांट पार्ट्स का, ठीक है. दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट, ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, मतलब लाइट की तरफ प्लांट का झुकना और ये सब मूवमेंट जो है, ये दो तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है और एक जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, ठीक है. तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दो तरह की होती है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब जो शूट वाला हिस्सा है प्लांट का वो बेंड करता है किस तरफ, लाइट की तरफ, तो वो क्या है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि लाइट की तरफ जा रहा है वो, ठीक है. और जो हिस्सा लाइट की तरफ नहीं जाता है यानी रूट, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है. ओके, प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रेस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. प्लांट ट्रॉपिज्म भी शो करता है दूसरे स्टिमुलस के साथ साथ. द रूट्स ट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी तरफ प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ. जो रूट्स होती हैं यानी जो जड़ें होती हैं प्लांट की, वो हमेशा नीचे की तरफ उगती हैं, लेकिन जो शूट्स होती हैं, शूट्स मतलब क्या होता है, शूट्स मतलब प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये किस तरफ उगता है, ऊपर की तरफ उगता है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं जो रूट वाला हिस्सा है वो धरती के नीचे जा रहा है, यानी लैंड में जा रहा है, धरती में जा रहा है, तो ये धरती की तरफ जा रहा है, तो धरती को बोलते हैं जियो, जियो, ठीक है, जीईओ, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है. तो धरती की तरफ जो मूवमेंट हो रही है रूट्स की, उस मूवमेंट को बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है. जैसे वहाँ पर लाइट की तरफ थी तो फोटोट्रॉपिक, फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है, तो वो लाइट की तरफ मूवमेंट थी प्लांट की तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया था. लाइट की तरफ थी तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक था, और रूट्स जो है लाइट के अपोजिट मूव कर रही थी तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक थी वो, ठीक है. उसी तरह अर्थ का भी, अर्थ की तरफ भी मूवमेंट होता है, जो रूट्स होती हैं वो अर्थ की तरफ जाती हैं तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है. और जो शूट्स हैं वो अर्थ के ऑपोजिट जाती हैं तो वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है. तो प्लांट्स शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल. द रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स यूजली ग्रो अपवर्ड्स. जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो हमेशा नीचे जाती हैं, और जो शूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, अर्थ की तरफ, अर्थ के ऑपोजिट, ठीक है. दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट्स रेस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म. अब ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है रूट्स और शूट्स का, तो ये क्या कहलाता है, अर्थ की तरफ या ग्रेविटी की तरफ, ये जियोट्रॉपिज्म कहलाता है, ठीक है. हाइड्रो का मतलब अगर पानी होता है और कीमो का मतलब केमिकल होता है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट और कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल्स की तरफ मूवमेंट, ठीक है. तो जैसे फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूवमेंट था, जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट था, वैसे ही हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म ये दोनों वाटर और केमिकल्स की तरफ मूवमेंट शो करते हैं. ओके, कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट्स. वन एग्जांपल ऑफ द कीमोट्रॉपिज्म इज़ द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टूवर्ड्स ओव्यूल्स. एक एग्जांपल जो है कीमोट्रॉपिज्म का वो ये है कि पॉलन ट्यूब्स जो है वो ओव्यूल्स की तरफ जाती हैं, ठीक है. कैसे पॉलन ट्यूब्स जो है वो ओव्यूल्स की तरफ जाती हैं. अब ये पॉलन ट्यूब्स वगैरह ये मैं क्लास में डायग्राम बना के बताऊंगा आपको, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है. ओके, तो
how about which we learn more when we examine the reproductive process of living organism. Okay, let us now once again think about how information is communicated in the bodies of the multicellular organism. चलिए हम ये बात सोच के देखते हैं कि कैसे information ट्रेवल करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में. कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है. द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक. जो मूवमेंट होता है सेंसिटिव प्लांट का टच के रिस्पॉन्ड में वो बहुत ही तेज होता है. ठीक है, जैसे टच मी नॉट प्लांट हो गया, उसको आप जैसे ही छूते हैं वो बंद हो जाता है. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्ड टू डे और नाइट. जो सनफ्लावर का मूवमेंट होता है, ठीक है, दिन की तरफ या रात की तरफ, ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो. ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द प्लांट विल बी इवन स्लोअर. जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है प्लांट का वो और भी धीमा होता है. इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शंस टू ग्रोथ. एनिमल बॉडीज में भी बहुत ही सावधानी से कंट्रोल्ड डायरेक्शंस होती हैं ग्रोथ के लिए. अवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस. हमारी जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं या हमारे हाथ और पैर हैं वो एक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं कि उंगलियां पीछे की तरफ ग्रो करने लगे हैं और क्या बोलते हैं पैर जो है वो उल्टे मुड़ने लगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, ग्रोथ हमेशा यूनिफॉर्म होती है, मतलब सारे इंसानों में हाथ और पैर लगभग लगभग सिमिलरली ग्रो करते हैं. अवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शंस. हमारी आर्म्स यानी हमारे हाथ और हमारी फिंगर्स वो एक डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. ठीक है, सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कैन आइदर बी स्लो और फास्ट. तो जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं वो या तो स्लो होंगी या फास्ट होंगी. इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली. अगर फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र भी बहुत तेज़ी से होना चाहिए. यहाँ किस इन्फॉर्मेशन और कौन से ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक आती है. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन तक आती है. ठीक है, आप कोई भी चीज़ छूते हैं तो गर्म है ठंडा है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाना. ठीक है, और ब्रेन से वापस उसका रिस्पॉन्स आना, तो ये इस फास्ट रिस्पॉन्स की बात कर रहा है वो. ठीक है, फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. इसके लिए जो मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी जो भी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, चाहे वो केमिकल सिग्नल हो, चाहे वो ब्लड हो, तो उसको बहुत तेज़ी से मूव करना पड़ेगा. ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस. जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं इन सब चीज़ों में. कैसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होते हैं और ब्रेन तक चले जाते हैं. ठीक है, फिर ब्रेन जो है उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सिग्नल्स या मैसेजेस के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मसल्स को बोलते हैं काम करने के लिए. ओके, बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. पर लिमिटेशंस हैं कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज़ करने के लिए. फर्स्टली, दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाई नर्वस टिश्यू. पहली बात, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो उन सेल्स तक आते हैं. कुछ लिमिटेशन होती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हर सेल तक नहीं जा सकता. ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम होगा हमारा, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होंगी, ठीक है, वहाँ बस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा पाएंगे. उसके अलावा हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जा सकते. ठीक है, तो यही इसकी एक लिमिटेशन है कि मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हर जगह जो है वो नहीं जा सकते. ठीक है, दूसरा, एक बार कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया सेल में और ट्रांसमिट हो गया, एक बार कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया सेल में और ट्रांसमिट हो गया, तो सेल जो है वो थोड़ा सा समय लेगा अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए. ठीक है, बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स. क्यों टाइम लेगा, क्योंकि उसको ट्रांसमिट और नया इम्पल्स ट्रांसमिट और जनरेट करने के लिए थोड़ा समय की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, एक बार कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया और ट्रांसमिट हो गया, तो सेल को अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. मतलब पूरी की पूरी सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है. ओके, इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैनॉट कंटिन्यूअली
क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब एक बात तो पक्की है कि जो सेल्स होते हैं वो लगातार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो ज़्यादातर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़्यादातर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे मीन्स का इस्तेमाल करते हैं सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। इनको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये केमिकल कम्युनिकेशन, अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, मतलब जो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिग्नल के फॉर्म में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ करके नर्व्स के थ्रू जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड उन इम्पल्सेस को भेजता है नर्व ब्रेन नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, ठीक है। फिर ब्रेन से वापस से सजेशन आते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड वापस से भेजता है उन सजेशंस को मसल्स के पास, ओके। तो इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यूज़ अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज़्यादातर जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरा एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं सेल्स के बीच में। इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो केमिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हार्मोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, हॉर्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन। तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हर जगह नहीं ले जा सकते, वो इन्फॉर्मेशन ये केमिकल मैसेंजर्स लेकर जाते हैं। इन केमिकल मैसेंजर्स को बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के बावजूद स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड। जो स्टिमुलेटेड सेल्स होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड को रिलीज करते हैं। दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज़ ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये जो कंपाउंड है ये ओरिजिनल सेल के चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के अलावा स्टिमुलेटेड सेल्स जो होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड भी रिलीज़ करते हैं। ये कंपाउंड जो है पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है, जहाँ से वो बनता है वहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता है। इफ़ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सर्फेसेस, अगर दूसरे सेल्स जो हैं, इफ़ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, अगर दूसरे सेल्स के पास अगर कोई तरीका है इस कंपाउंड को डिटेक्ट करने का स्पेशल मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिटेड। तो वो जो हैं वो क्या करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो धीरे रहेगी, ज़रूर बहुत ही धीरे रहेगी, लेकिन ये पूरी बॉडी में जा सकती है। जो केमिकल मैसेंजर्स यानी हॉर्मोन्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है वो भले ही धीरे होगी लेकिन वो पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ द नर्वस कनेक्शन, एंड इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली। दीज कंपाउंड और हॉर्मोन्स यूज बाई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। ये जो कंपाउंड है या जो हॉर्मोन्स हैं जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ये ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी शो करेगा, ठीक है। एज़ वी वुड एक्सपेक्ट, डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। अलग अलग प्लांट हार्मोन जो है वो ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट करवाने में भी मदद करते हैं और एनवायरनमेंट को जो रिस्पॉन्स देना होता है वो भी उसमें भी मदद करते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग हॉर्मोन्स के कारण ही प्लांट्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो फल होते हैं, फल कोई भी फल अगर लगता है वो पकता है तो वो हॉर्मोन्स की वजह से पकता है। प्लांट का लाइट की तरफ झुकना वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। प्लांट में ग्रोथ होना वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। दीज आर सिंथेसाइज एट द प्लेसेज अवे फ्रॉम द एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। हॉर्मोन्स की खास बात ये होती है, यानी जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं या हॉर्मोन्स होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ से दूर एक्ट करते हैं, वो वहाँ पर एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जहाँ पर वो बनते हैं वहाँ से दूर एक्ट करते हैं, ठीक है।
लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विथ अर्लियर. चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब उगने वाला प्लांट लाइट डिटेक्ट करता है, एक हार्मोन जिसको बोलते हैं ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप. जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, शूट टिप में. हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, वो सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है. ठीक है. व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब लाइट एक साइड से आती है प्लांट में, ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, दूसरे साइड में जो छाए में रहता है. ठीक है. मतलब देखिए, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्च मारेंगे तो जिस हिस्से में टॉर्च की लाइट पड़ रही है उसके पीछे वाला हिस्सा अंधेरे में होगा या डार्क साइड होगा वो. ठीक है. तो वो जो हिस्सा जो डार्क साइड में रहता है तो हार्मोन उधर पे चला जाता है और उधर वाले हिस्से को जो डार्क साइड में रहता है उसको ग्रो करवाने की कोशिश करता है, यानी उसको ग्रो करवाता है या उगाने की कोशिश करता है. तो जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है उस हिस्से की, तो पेड़ जो है वो झुकता जाता है लाइट की तरफ. ठीक है. तो जो हिस्सा छाए में था उसकी लेंथ बढ़ने पर प्लांट जो है ऑब्वियसली झुकता जाता है किस तरफ, लाइट की तरफ. ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं, स्टेम्स की ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं. मतलब जो टहनियाँ, जो तना होता है प्लांट का स्टेम, तो उसकी ग्रोथ करवाने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन्स. ओके. ऐसे ही एक हार्मोन होते हैं प्लांट में, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन क्या करते हैं, साइटो मतलब होता है सेल, काइनिन मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है. तो साइटोकाइनिन मतलब सेल और न्यूक्लियस का डिवीज़न करने वाले या सेल डिवीज़न करवाने वाले. तो साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, सेल डिवीज़न करवाते हैं. सेल डिवीज़न क्यों होता है, या तो प्लांट को ग्रोथ करना होगा या रिपेयर चाहिए होगा. ओके. या रिप्रोडक्शन करना होगा. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है सेल डिवीज़न होता है. एंड इट इज़ नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसनट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन. तो ये जो साइटोकाइनिन्स है ये कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, उन एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन होना रहता है, जैसे फ्रूट्स और सीड्स. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ. तो ये प्लांट हार्मोन के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं. प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. प्लांट जो है वो कुछ सिग्नल्स चाहिए होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. ठीक है. बट प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग. कुछ ऐसे सिग्नल्स चाहिए होते हैं जिनसे प्लांट को पता चले कि अब ग्रो नहीं करना है. ठीक है. एब्सेसिक एसिड वो इस तरह का हार्मोन है जो कि ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, मतलब वो ग्रोथ को रोक देता है. एब्सेसिक एसिड वो हार्मोन है जो ग्रोथ को रोक देता है. ठीक है. ये पत्तियों को येलो करके गिराने का काम करता है. ठीक है. विल्टिंग ऑफ लीव्स में मदद करता है. ठीक है. तो अभी देखिए हमने कितने प्लांट हार्मोन पढ़ लिए. पहला हमने पढ़ा जिब्रेलिन. जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ करवाता है प्लांट में. फिर साइटोकाइनिन क्या करता है, दूसरा हार्मोन पढ़ा हमने साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन करवाने में मदद करता है. ठीक है. फिर तीसरा है क्या, एब्सेसिक एसिड. तो एब्सेसिक एसिड क्या करवाता है, वो ग्रोथ को रोकने में मदद करता है. तो हमने तीन चार हार्मोन यहाँ पर पढ़ लिए हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं. ओके. अब हार्मोन्स इन एनिमल्स की बात करते हैं, कैसे एनिमल्स में हार्मोन रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है. हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स. एनिमल्स में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो नर्व इम्पल्सेस के अलावा पूरी एनिमल बॉडी में केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं. ठीक है. तो मैं हार्मोन्स का एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. हार्मोन्स को बनाने वाले कुछ सेल्स होते हैं और उन सेल्स को एक साथ मिल करके बोल देते हैं ग्लैंड. ठीक है. तो हार्मोन कहाँ से निकलता है एनिमल्स में, ग्लैंड से निकलता है. तो अलग अलग ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं. और ये ग्लैंड बनते कैसे हैं, ये सेल्स से ही मिलकर बनते हैं. हमारे शरीर के सेल्स ही मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं. तो ग्लैंड क्या काम करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं. ठीक है. हार्मोन बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं. ठीक है. तो जो ग्लैंड हार्मोन बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. तो जिन जिन ग्लैंड्स में हार्मोन बनते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं. जैसे
ब्रेन में है पीनियल ग्लैंड, फिर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो दिए हुए हैं। पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है, टेस्टीज है मेल में, ठीक है, ओवरी है फीमेल में, ठीक है। तो ये सारे जो हार्मोन के ग्लैंड होते हैं तो इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सारे के सारे क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। मतलब ये हार्मोन ये बताते हैं कि कोई ख़तरा है या फिर क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो हमको केमिकल फॉर्म में जो मैसेज सप्लाई होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू ही होते हैं। और इन हार्मोन्स को रिलीज़ करने वाले जो ग्लैंड होते हैं वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सो गाइस, आज के लेक्चर में ये मैंने इंट्रोडक्टरी एक रिस्पॉन्स अपना दे दिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और हार्मोन्स कैसे बनते हैं। ओके, और कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, बी सेफ एट योर होम्स। ओके, थैंक यू सो मच।